मेडिकल कब कराया था आपने? मेडिकल मैंने अभी लास्ट वीक ही करवाया था ना सर। अच्छा, ठीक है। तो वो डॉक्टर क्या हॉस्पिटल है, क्या है वो हॉस्पिटल टाइप, क्या है वो जहाँ कराया था? सर हॉस्पिटल है, पॉली क्लिनिक सर, पॉली क्लिनिक है, हॉस्पिटल है सर, काफी बड़ा। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये नाइजर में है, कहाँ पर है, माली में, कहाँ पर है? न्यामे में, न्यामे में सर। शहर कौन, ये मतलब कंट्री कौन सा है ये? नाइजर सर नाइजर है, नाइजर कैपिटल है सर, कैपिटल नाइजर की कैपिटल न्यामे। अच्छा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। बाकी चलो, वैसे क्या चल रहा है वहाँ पर, कोविड का क्या चल रहा है? सर कोविड तो सर यहाँ पे कुछ नहीं है सर अभी, पर मैं वैक्सीनेशन लगवा के आ गया हूँ, प्रिकॉशनरी। अच्छा, कनाडा जाओगे, अगर जाओगे तब भी वहाँ भी काम आएगा शायद, वहाँ का। ये कौन सी लगती है वैक्सीन, कौन सी है वैक्सीन है? देखो पार्क लग रही है सर, अच्छा, चाइना। ठीक है। बाकी वो बाकी श्रुति ठीक है उधर? हाँ सर, वो तो ठीक है सर, ठीक है। वहाँ पे भी सर लॉकडाउन लगा हुआ है। जी, वो स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है कुछ? क्या क्या है ये भाई, क्या है ये? भाई तू रो पत्ती हो यार। ये धंधा है ना जो वीजा लगवाने का, ये रोने वाला धंधा है वैसे। नितिन आपका क्या हो गया, वीडियो चला गया? नहीं सर, वो फोन आ गया था क्लाइंट। नितिन आपका आपका मेडिकल कामयाब हो गया, कोविड कामयाब है, यू आर गोइंग टू कनाडा। नितिन पीछे मेरा कुत्ता भी बोल रहा है, वो कर रहा है। नितिन कहाँ गए? नितिन इधर। सॉरी सर, वो क्लाइंट फोन कर रहा था। कोई चक्कर नहीं, रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाओ। आप अफ्रीका में हो एक्चुअली, मैं आपको बताना चाहता था आपको, और ये कोई सीक्रेट नहीं है, यू आर माय फर्स्ट क्लाइंट फ्रॉम अफ्रीका। मेरे क्लाइंट्स तो बहुत करे हैं, बहुत कंट्री से करे हैं, अमेरिका से, सऊदी से, इंडिया से तो है ही, पाकिस्तान से, पर अफ्रीका से पहली बार क्लाइंट किया है। आई एम वेरी ग्लैड कि यू आर माय क्लाइंट और आपका वीजा लगा है। कितनी बार रिफ्यूज हो गया पहले, दो बार तीन बार? सर तीन बार हो गया सर, तीन बार रिफ्यूज हो गया है, तीन बार रिफ्यूज हो गया, चौथी बार में, फोर्थ टाइम इज लकी टाइम, और आज ही रिक्वेस्ट आई है 21st, आज 21 तारीख की है, और आज ही पासपोर्ट रिक्वेस्ट है। अभी मैं सो रहा था एक्चुअली, अभी यहाँ पर शाम के 5 बजे हैं, तो मैं अभी लेटा हुआ था, कुछ सोच रहा था, पता नहीं कुछ क्या सोच रहा था, मैंने उठ के देखा, मैंने कहा ये मैसेज किसका है, मैं खड़क दिखा रहे, मैंने कहा ये तो भाई उसी का है, अफ्रीका वाले का है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा हुआ। दो दिन बाद ही हो जाएगा सर जी। मैं आपको आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे से मिलने आए, आगरा में मिलने आए स्टेशन पे, वैसे कोई मिलने आता नहीं ऐसे, और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली पास हो रहा था दिल्ली से, मैं ट्रेन से, और आगरा में आप मेरे लिए वो पंछी पेठा लेकर आए थे स्टेशन पे, 2 मिनट गाड़ी रुकी थी, और उसको मैंने बहुत धीरे धीरे खाया कि खत्म ना हो जाए वो पेठा वो, और आई ग्रेटली थैंक यू, एंड आई मेट योर वाइफ ऑल्सो, आपकी वाइफ से भी मिले, और बाकी आज ये आलम है कि वीजा आपका आ गया है, और थैंक यू। आप
बताएं। आपको पता नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, अब तीन बार रिफ्यूज हो गया तो सर चौथी बार रिफ्यूज हो जाता सर, बहुत हालत खराब हो जाती। निधन सर आप ऊपर वाइफ दूर रहती है तो सर लोग बहुत बातें करते हैं। मेरा बहुत मन था तो आप इंडिया में नहीं आओ, वहीं से अफ्रीका से सीधे फ्लाइट लो वहीं से, और वहीं से वहीं सीधे कनाडा जाओ। तो भगवान की कृपा है कि वो आपकी आस्था है और आपका ट्रस्ट है। मेरे को क्लाइंट वो लेता हूँ जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो भाई मैं क्लाइंट लेता नहीं हूँ। तो आपने आपने ट्रस्ट किया मेरे को, बताया आपसे पहले एक साल पहले भी बात हुई थी शायद कंसल्टेशन में, यार कब बात हुई, बहुत पहले बात हुई थी शायद नवंबर में 2019 की सर नवंबर में कुछ बात हुई थी सर, वो नहीं सर सॉरी 2020 सर जनवरी के अराउंड, जनवरी फरवरी के अराउंड बात हुई थी सर, क्योंकि सर मैं 2019 में सर मेरी फाइल रिफ्यूज हो गई थी ना, तो सर मैं ऐसे ही सर ढूंढ रहा था सर कोई अच्छा मिल जाए लॉयर, तो सर मैं किसी दिल्ली में सर था उस वक्त, तो सर दिल्ली में घूम रहा था सर, सब लोग बोल रहे थे विजिटर वीजा लगवा लो तुम्हारा लग जाएगा, तो मेरे को यकीन नहीं था विजिटर वीजा पे, तो सर मेरे को मैं किसी पे गया सर, वो भी सर सरदारी थे, उन्होंने बोला कि तुम बेवकूफ हो के मत घूमो, तुम्हारी फाइल वैसे भी तीन बार रिजेक्ट हो चुकी है, मैं तुम्हें देता हूँ ये नंबर, तुम इनसे बात करो, और सर उन्होंने आपका नंबर दिया, उसने उन्होंने बताया कि आपकी यूट्यूब पे वीडियोस हैं सर, तो मैं वीडियोस भी देखना चालू करा, वीडियोस देखा थोड़ी सर ताकत मिली, फिर सर मैंने आपकी अपॉइंटमेंट ली वाइफ के साथ, फिर फर्स्ट टाइम बात करी, आपने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करो जब तक, और जब तक आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहने आती है, तो फिर जैसी सर वाइफ आने वाली थी, वाइफ का प्लान बना, तो सर आपसे फिर दोबारा बात करी सेकंड टाइम, फिर सर आप सेकंड टाइम बात करी तो सर फिर फाइल रखी थी। वो कौन थे वो दिल्ली में जिन्होंने रेफर किया मेरे, कौन थे जानता हूँ मैं उनको, क्या नाम क्या सर, वो कोई सिंगी थे सर, उनकी आईएलएट्स की क्लासेस चलती थी और वो सर स्टूडेंट वीजा में भी करते थे सर, सर दिल्ली में सर। मैं सर आपको सर्च करके बता दूंगा, क्योंकि सर मैं भी सर गूगल पे ही सर्च कर करके ही जा रहा था, जिसकी रेटिंग्स अच्छी थी उनके पास जा रहा था, तो सर वहां पे था। मैं भी उनको जाके, मैं भी कनाडा जाने से पहले उनको मिल लूं, दर्शन कर लूं, कौन है भाई जना सर, मैं के बताऊंगा सर, सर वो भी सरदार थे सर, मेरे को सर वहीं पे यकीन हो गया था कि सर किसी ने अगर हिंट दिया है, और सर आपसे एक बार बात करने के बाद और आपकी वीडियो देखने के बाद मैं समझ गया था सर, अगर फाइल लगेगी तो इन्हीं से लगेगी सर, वाइफ से सर मैंने बहुत फाइट करी थी ना, नहीं जो भी होगा देखा जाएगा इन्हीं से लगवाऊंगा सर, और मैंने आपसे लगवाई है सर, मेरी वाइफ ने बोला था तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ भी हुआ तो फिर तू ही देखेगा, फिर सर मैंने तो सर रिस्क ले लिया था सर, मेरे को पता नहीं सर कुछ ना कुछ देंगे। सर जी आपका नितिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विश्वास ट्रस्ट किया आपने, और उस ट्रस्ट का जो हम पैसे लेते हैं जो हम काम करते हैं, मेरे को ट्रस्ट की बहुत बहुत एक वैल्यू है, अगर कोई इंसान मेरे पे ट्रस्ट करता है ना तो उसके लिए मैं जान तक लगाने को तैयार हूँ वीजा के लिए, क्योंकि सर मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने बोला था कि जब तक आपको वीजा नहीं मिलेगा ना तब तक मैं फाइल लगाऊंगा, मैंने कि सर अब तो सर से ही लगवानी है छोड़ो, फिर क्या मैं किसके पास कहां जाऊं सर, किसी का कोई भरोसा ही नहीं होता आजकल, लास्ट टाइम भी सर जिसने हमारी फाइल लगाई थी सर उसको तो सर आपने जो भी बताया ना सर उसमें से सर उसके 50% पॉइंट भी उसने क्लियर नहीं किए थे सर, भगवान एक ना ऊपर वाला एक बहाना बहाना बना देता है, वो आपका हमसे मीटिंग हो गई और यू नो जस्ट और सर आप सर मिल भी लिए सर, बड़ी बात यह है सर क्योंकि सर उस वक्त रेलवे स्टेशन में घुसना अलाउड ही नहीं था विदाउट टिकट सर, तो सर मैंने अपने अंकल को फोन किया, वो वहीं पे काम करते थे तो ऑफिसर थे बड़े, तो सर उनके साथ ही मैं आया था, आप मिले थे उससे सर, बहुत मुश्किल से अंदर घुसा था सर मैं। ये वैसे बहुत ये पहली बार हुआ है, रेयरली हुआ है कि वैसे ट्रेन चल रही है और ट्रेन में एक स्टेशन पास हो रहा है और मेरा क्लाइंट उसी स्टेशन पे है और मैं उसको फोन करूँ वो मिलने आ गया, 2 मिनट मिलने और चले गए, जैसे लगता है कि बॉलीवुड मूवी चल रही है, उसको फिर मैं उसको ना वो मैं जो आपने जो पेठा लेकर आए थे स्पेशल पेठा, मैं इसको बहुत संभाल के करता जस्ट बहुत कैजुअल करता था, अभी मैं आगरा फिर जाने वाला हूँ, फिर मैं वही पंछी पेठा लूँगा। तो एनी वे थैंक यू वेरी मच नितिन, आपका यू नो आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने मौका दिया और आपका ये वीज़ा अप्रूव हो गया है, कॉल फिर आपकी फोटो फिर चली गई भाई, अच्छा हाँ सर नहीं हाँ जी जी जी
आप उसको, आप रूपानी को, रूपानी को बता देना उसको, अभी सोन दो, अभी सो रही होगी वो। आपके साथ आऊंगा सर, सर मैं वो उठेगी तो सर उसको बोलता हूँ, फिर वो तो कॉल करे, फिर मैं कॉल करवाता हूँ सर। आप बताओगे ना सर, मैं भी बताऊंगा सर। ठीक है, तो चलो फिर मैं उसको ऐसा करता हूँ कि वो जो अप्रूवल लेटर आ गया है तो आप वहीं पर, आपके वहाँ पर जो जो पासपोर्ट कहाँ जमा होता है उधर, आपके वो जो ऑफिस है वहाँ पर, VFS टाइप ऑफिस है क्या है? हाँ सर, VFS ऑफिस, VFS भी है, VFS ही है वहाँ पर। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस वहीं पर आप वही जमा कर देना उसको, और बस जितने दिन लगेंगे, हफ्ता 10 दिन जितने भी लगेंगे उसके बाद है, इससे पहले कि कोविड का बहुत काम बढ़ जाए और लॉकडाउन हो जाए, कैनेडा वैनेडा बंद हो जाए, चुप करके जल्दी से निकल के अपना पतली गली से निकल लो बस। यहीं से निकलूंगा सर। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। ए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, और आई होप टू सी यू समटाइम इन कैनेडा। थैंक यू, टेक केयर। How are things there? Is COVID under control? It's like home, stay home order right now. So only essential workers can go out. Yeah. Okay. So your job is ongoing. Your job is good. Yeah. I just had like the sales staff is working from home, so we have only like 3 people in the office. So you can work in the premises if you're less than 5. Mm-hmm. Yeah. Do you miss Agra because you left at a month? Sorry? Do you miss Agra? Yeah. I still miss your that Panchi Peta. Yeah, do you? Yeah, it's famous up there. It's famous. Yeah. Are you looking to go and visit your husband anytime soon now? And because he's not in India, though. He's in Africa. Are you looking to visit him anytime soon, or you are stuck there in travel restriction? I don't know. Like I can leave. I can't get leave from my office for now. I'll regard 2 months vacation. That's more than enough. They don't give that much. Sure. Yeah. So not this year though. Yeah. Take a look at the screen. There's something for you, I think. Okay. I can see the screen. You can? Cannot? No. It's black. It's black? Let me try one more time. Let me try this. Just a minute. Let's take a look. Just a minute. I think. What about now? Yeah, I can see myself. Yeah. What does it say on the screen? It's just the Skype call that you have on. Oh, you don't see the screen? There's a text message on the screen? No. Nothing on the screen? No, I can see myself and Nathan on the screen. Good. Yeah. There's one more time. If this trick does not work, then this. Yeah, it's the internet in India. I don't know. It's shitty. Okay. How about now? Yeah, we can see now. What does it say on the top? April 21st. Which is today. Yeah, this is reference to your application for the temporary residence. A decision has been made of your application. We require your passport to finalize processing your application. Yeah. Good.
You want your husband to be united in Canada now, or what do you say? Yeah, sure. Why not? I can use some help in quarantine. Yeah. The husbands are supposed to help out and do all the household chores. Maybe he should get ready. No. You know what's the thing? It's because of COVID stay home order. Saturday, Sunday, you can't do anything. So I get literally bored, do nothing. So I'm like, finally I have something to do. Yeah, I was talking to Nitin earlier. He got choked up, actually. He was, he had tears in his eyes and he was just, kind of overwhelmed. He said to me, you believe that? What he said to me was, I'll kill this guy. What he told me was, oh, lawyer wanted to talk to you in person. There is something issue with your medical. I was like, why? What is issue with my medical? I didn't say there is an issue with your medical. I said he wants some information from your medical. Yeah, he said he wants some information from your medical. There is something wrong up there. And that's what he calls me 7 a.m. before I leave office. Well, I don't blame him. He's excited. He's been refused 3 times and the 4th time lucky, and he's ready to roll. And I don't blame him. He could have told me nicely, like, hey, I'm coming or whatsoever. Well, in that case, I would not have seen the smile on your face just now. Yeah, yes, that's nice. But I have still a couple of questions to ask to you. Yeah. As that, right now the government in Canada, there is a stay home order for now. So I don't know what are the travel restrictions right now after like the stay home order. And and Nitin was telling something regarding you need authorization letter to come over here. So, what are the questions they ask in the immigration? They say, like, if it's not essential travel, you can't go there. And he needs reason why he wants. What if somebody asks in immigration, where do you work or something? Yeah. Are you done with the questions? Yeah. I'm just concerned. Okay. So the first step now is that he will deposit his passport, submit his passport for the visa stamping. He gets the visa stamped in about 7 to 10 days. After he gets the visa, then he will also be issued a letter of introduction, which I will get. I will give it to him. The second step is that he will apply for what is called a travel authorization. There's a link on the IRCC website. There's an email. So he will email it to them and they will look at the visa approval. They will look at the connection between, the definition of immediate relative, which is you, and mm-hmm. they will most likely approve it. It takes about close to 2-3 days. Once he has the visa stamp, the letter of introduction and the travel authorization, then there's no problem. He's clear to board the flight and then he's ready to roll. I see. Okay. There's no job requirement. He is an essential traveler. There's no other requirement incumbent on you or him to produce any job letter. So everything is looking good. So if everything goes well according to the time schedule, I'm hoping that he should be in Canada in the month of May, maybe middle of May or so, depending on how soon this bureaucracy works. He will be there to celebrate the Canada Day for you on July 1st, for sure. Oh my God, thank you so much. Thank you so much. So everything is looking good, and just wanted to break the news to you so that I can capture those emotions on the screen. And everything is looking good for so far, so good. Yes, thank you. Thank you so much. How many times was he refused before you said that, don't go to Mr. Singh, maybe he'll mess up the file? No, he didn't say that.
No, no, it was just that he got refused once in the visitor and the two times for the spouse one. Total three times, but the one is visitor and second is like the rest two is the work permit. But yeah, so he founded you actually because I was so scared. I was like, okay, you find the lawyer now. I'm not finding any lawyer because I found the last one and it messed up. So I asked him and he found you somehow and things, man, and he had a faith in you, I would say. I only take clients who have trust in me. I don't take clients, no matter how much money they pay, I will never take a client who has no trust. Yes. So he said, like, Shruti, you should see his website on the, like, the YouTube, the videos you do. So I saw some of it and I was like, okay, that sounds like nice. We can try this lawyer. And he said, okay, but I'll contact him. And then he contacted you and we went along. Yeah, but I must comment on your excellent documents that you provided. You have a good job, you have a good salary and payslips, and you know bank funds. And he also has enough bank funds. And so I was surprised last time how they refused him the last time. So you know, I of course each case is different and there is some complexity, but. But it's not a, honestly, it was never a very difficult case. I mean, just to let you know, but you know, hey, it just happened to be that you found me and then it just happened to go through this channel. Otherwise, your visa was forthcoming anyway, nonetheless, whether you came through me or not. Yes. I don't know what was the issue, to be honest. I'm not good in immigration stuff. I apply my own work permit, I know that, but nothing crazy I know about immigration. So like we just needed some guidance because last time there were some documents which were not submitted, for an instance. There are some of the documents, like the name of mine on his passport and some proofs that shows that we are married. Like even in Canada, I got the job and then I put his name on the benefits. So that gives an assurity that we're married, kind of thing. I have to ask you one last question. Do you have your English language score, IELTS? Not yet. I booked the date, sorry, though. My for the 1 year is completing 22nd August. So I booked the date for 12th June. Yeah, because if you did, you would have been ready to apply for the new pathway program for international students and workers starting on May 5th. So that would have been a very lucky for you. But if you don't have it, then I guess there's a run on the dates. There's no date available in all over Canada right now for English. I booked it before, actually. I booked it before when the announcement came. I booked that before. Okay, well, I guess we have to go one day at a time and then one application at a time. So right now the day belongs to Nitin. He cannot stop grinning from from one end to another. I can see him you know, ecstatic, and he's impatient to go, and he's ready to go. So I'll leave you guys there, and then hope to talk to you soon. I'll send you instructions how to you know, pay the balance, and then you know, pretty much you are good. And then he's coming to Canada. Hey, here Canada, here I come. Okay, sounds great. Thank you. Okay, thank you. Take care. Thank you.